में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता श्रीमती किरण चौधरी जी पहुंची भाई, जोरदार तालियों के साथ किरण चौधरी जी का स्वागत करो। श्रीमती किरण चौधरी जिंदाबाद, श्रीमती किरण चौधरी जिंदाबाद, श्रीमती किरण चौधरी जिंदाबाद। आगे बढ़े, सरकार बने अपनी और फिर धड़ाके से आपका और काम करें, यही मेरी इच्छा है और यही है मेरे ख्याल में आप लोगों की भी इच्छा है। और क्या रहा होगा भाई, गांव में सब राजी खुशी दादी हो? हाँ ठीक ठाक। बीजेपी का तो साथ लिया देख, स्वाजी साथ करा है भाई, 5 साल में जमा मार के महंगाई इतनी कर दी। कितनी महंगाई कर दी? डीएपी की खाद महंगी, तुम्हारी के कितने है, ये जो है यूरिया महंगा, कट्टा और के कितने छोटा कर दिया 5 किलो। सही बात है, नहीं सही है? नहीं सही है ना? और फिर सबसे दुखी बात मेरी ये कि जो दाने होते हैं, पिछली बार मैंने देखा, बड़ी मैंने विधानसभा में उठाई ये बात कि सरसों का जो है 4,000 रुपए प्रति क्विंटल कहते हैं इन्होंने, हर एकड़ की एक एक दाना खरीदा, तो वही गांव में मिला किसी को 4,000 क्विंटल, 4,000 प्रति क्विंटल सरसों का, 2,000 रुपये। ये दुखी बात बोल रहे भाई, ये टिकट वाले सारे के सारे समझेंगे इस गलत के देखिए भाई, मैं दिखाऊ सारे के सारे। वही बोलेगा ना, मैं लाऊंगा लहर, ये करूंगा वो करूंगा, ये सारी दुखी बात। अब तो भाई खाली एक चीज हो सकती है कि भाखड़ा का पानी जो है वो अगर समान बंटवारा कर दें तो हमें मिलेगा, नहीं तो हमारी नहर का पानी भी खत्म कर दें। सच्ची बात करें और सारी माताएं बहनों को देख के मेरे हमेशा याद आ जाता है, एक बात मोदियों का आकर का मैं सारा धन लाऊंगा, वापस सारा धन लाऊंगा। तो भाई सारी हमारी माताएं बहने जो जोड़ के और धर रही थी बेचारी, एक एक रुपया जोड़ के धरा बाबा, सारा का सारा सारा काट लिया, नहीं काट लिया बताओ, निकाल लिया ना सबके, निकाल लिया ना सबके, जो और बना दी और थी उसी बना दी, अब मुंह में लाओ सारा धन ले ली थी क्या था करेगा। लेकिन कांग्रेस से मैं कहने जा रही सरकार बनते ही सबसे पहले तो भाई कर्जा माफ करेंगे, फिक्र ही ना, समझ गए ना, कर्जा माफ करेंगे, किसी का कर्जा नहीं रहने देते। और दूसरी बात, जो ये किसान के ऊपर जो ये जीएसटी लगा रखा है ना, जो ये ट्रैक्टरों के ऊपर खाद के इससे उससे, इसका सारा समन्वय करेंगे। और ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो सबसे बड़ा घोटाला है, पूंजीपति पूंजीपति बन गए, सारी जेब दी काट बगैर पूछे, काट दी ना सारी जगह जेब सारी, बताओ भाई काट रखी है नहीं, कौन इसकी नहीं काटी तेरी, तू तो राजी है फिर, तेरी कंडे भी कौन कौन होगा नहीं, तेरे द्वारा होगा नहीं। जो जो किसान बेचारा है जिसका किसान क्रेडिट कार्ड है उसके तो भाई किसी की छोड़ी नहीं है ना, सच्ची बात मैं बोलू, कोई एक आद हो कोई भाई तेरे वर्गा पूंजीपति होगा तो उसका मन है मेरा। सच्ची बात है भाई। हाँ तो ये है कहने की बात कि जिंदगी में इसी सरकार जो आई है ना, इतनी झूठ लंबे लंबे चौड़ी फेंक फेंको जैसे जो करो, ये लंबी चौड़ी और तुम्हें कोई लेके आओगा चुनाव के टाइम, तुमने बेरा है चुनाव के टाइम जो भी बात होती है सब बेकार होती है। इन्होंने एक वायदा करा था, क्या वायदा कहा था, बेरोजगारी भत्ता, कि जो 10वीं पास होएगा जो बच्चा उसको 6,000 रुपए देंगे, कहा था ना, और 9,000 उसको देंगे जो बीए पास होगा। काम में किसी एक के दौरे आया क्या, कौन ही आया, तो इसका मतलब ये है सारे गांव में तो रोजगार पूरा है, समझ गए ना, सब रोजगार ले रहे हैं भाई, यदि बेरोजगारी भत्ता कौन ही आया, ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये समझ जाओ, सुधबुद लेनी है, काम करना है वो मैंने करना है भाई। और ये पानी का भी एक बात बता दूं, ये नहर जो है ना, ये नहर का पानी भी जद आएगा जब मोटी कलम आओगी हाथ में, नहीं तो नहर भी हो लेगी साफ,
छोटे बात मैं बोलती हूँ। श्रुति को चुनाव में जिताकर भेजो ताकि मजबूती के साथ फिर मैं तुम्हारा काम कर सकूं, ये कह रही। और पानी अगर नहर में नहीं आया तो फिर तो रह क्या गया, फिर तो कुछ भी नहीं रहा। तो मैं भगवान को तुमको नहीं कि सबसे मैं यूं करूं और सारा कुछ हो जाए, जो मेरे भक्ति है वो मैं दूंगी, ठीक है। तो आप संभालो सारे समझदार लोग, बीजेपी को आपने देख लिया किस तरह के लोग हैं, और चौटाला को भी आपने देख लिया। मेरे को तो बड़ा दुख हुआ जो ये सोशल मीडिया के ऊपर ये जो बात सारी आ रही है ना, देखा मैंने कि कैसे रातों रात जो है विरोधी बेशक हो लेकिन इंसानियत तो है हमारे अंदर भी। जब देखा ना आपको किस तरह से बूढ़े बुजुर्ग को चौटाला साहब को इन छोरों ने कहते जेल ही भिजवा दिया वापस, तो ये तो बहुत ही मेरे ख्याल में गलत बात है और ऐसे नहीं होना चाहिए। और जहां तक इनका खुद का सौदा है, ये तो खिंडबिंड लिया हो, कोई भी चौटाला का कार्यकर्ता जो हमारे साथ जुड़ना चाहता हो मान सम्मान के साथ उसको लाओ भाई, उसका पूरा बजाकर ठोक बजाकर बराबरी का काम करें। क्योंकि जो 13-13, 14-14 साल रह लिया और आगे उसने कि मैं दिखे को नहीं, तो वही कार्यकर्ता की तो गलती को नहीं समझाना। तो कोई भी आना चाहता हो उसको मान सम्मान के साथ लाओ, उसका भी बराबर दाम जो है ठोक बजा के करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। है ना, तो ये सारा का सारा पैसा जो है कटने के टाइम तो कट जाता है, मुआवजा देने के टाइम कहीं मिलता नहीं, सही है नहीं? और पिछले बार मैंने देखा, मैं तो विधानसभा में बहुत बारी उठाई मैंने ये बात कि सारी हमारी जो ये फसल थी सरसों की, यूं कहा इन्होंने MSP बढ़ा दी भाई, 4,000 रुपए प्रति क्विंटल हम दे रहे हैं। तो पहले तो इतने लंबे चौड़े मापदंड लगा दिए कि 20 क्विंटल से तो ज्यादा लेंगे नहीं, फिर 4,000 भी भाई मिला किसी को 20 क्विंटल में? बताओ भाई किसी ने मिला क्या? नहीं मिला। विधानसभा में कहते हैं खड़े होके कि एक एक दाना हमने किसान का खरीदा है और हर एक किसान को 4,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से देते हैं। तो मतलब विधानसभा में झूठ जो आदमी बोल सकते हैं तो वही फिर रह के गया, फिर तो कुछ ही नहीं रहा, फिर तो रह के गया सरकार का कुछ भी नहीं है। विधानसभा में झूठ बोल दी जाए तो रिकॉर्ड होती है बात, हर चीज रिकॉर्ड होती है वहां पे। तो वहां खड़े होके एक एक दाना हमने किसान का खरीदा है, मैं खड़े होके बोली मैंने कहा झूठी बात ना करो सही। और फिर यूरिया महंगा कर दिया, खाद महंगी कर दी DAP की, और फिर कट्टा जो है 5 किलो कम कर दिया, तो किसान को बिल्कुल ही सत्यानाश किया करो। और ऊपर से पानी को नहीं आओ नहर में, पानी आ रहा है क्या घर है? कौन आ रहा ना पानी? पानी नहीं आ रहा, पानी आ रहा नहीं, पानी आएगा भी नहीं, क्योंकि सुनो पीने वाला तो मैंने करवा दिया था, पीने वाला पानी तो मैं करवा गई थी 5 साल पहले, लेकिन नहर का पानी जो है वो इन्होंने हमारा नहर का भिवानी का जो पानी है नहर का वो काट दिया, आपको मैं बताना चाहती हूँ। और काटा यूं कि हमारा देखो राजनीति जो है पानी के ऊपर हो रही है, बहुत जबरदस्त राजनीति हो रही है। SYL नहर की बात चुटाने वाले कह रहे हैं, अगर SYL नहर को कोई रुकवाने वाला है ना भाई तो ये चुटाला है, सच्ची बात ये। ये लोग अगर इन्होंने उस समय बादल के साथ हाथ मिलाकर इन्होंने रोकी नहीं होती ना नहर जो चौधरी बंसीलाल जी ने बनाई थी, आज वो नहर हमारी बन गई होती और लबालब हमारा पानी आ रहा होता। लेकिन उस समय चौधरी बंसीलाल जी की सरकार तो गई चली और चौटाला साहब बैठ गए सरकार में, और प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री इनका दादा देवीलाल जी उप प्रधानमंत्री थे उस समय, इन्होंने इनका जो है पगड़ी बदल भाई बादल पंजाब में, तो भाई पंजाब से पानी लेके आते तो भाई पगड़ी बदल भाई के साथ रिश्ते खराब होते और इनके कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि आज के दिन भी इनका जो है भाखड़े का पानी इनके इलाके में लगता है, सिरसा साइड में 22 दिन पानी चलता है, जाके देखाओ नहरे वहां जा देखिए किसी ने जाके, कोई इनका चौटाला का कोई कार्यकर्ता वही देखा है जाके। ऑयल की तो राजनीति लिए हो, कोर्ट के फैसले आने के बाद भी पानी नहीं आ रहा तो इससे बड़ी राजनीति तो हो नहीं सकती। तो बीजेपी और ये दोनों तो थाली एक थाली के चट्टे बट्टे,
तो मेरे को मैंने कहा हमारा इलाका जो है वो तिसाया मर रहा है, किसान के हमारे आंख के अंदर आंसू आ रहे हैं बार बार नहर में पानी को नहीं, ये भाखड़ा का पानी जो लगता है ना उधर भाखड़े का न्यारा आधा आधा बांट दो हमारे पानी, तो भाखड़े का पानी बांटने खातर तो भाई राजियों को नहीं, क्योंकि अगर वहां बांटेंगे तो सिरसा का कम होगा, तो वोट यहां से लेकर जाएंगे, बूढ़ा आदमी यहां पे वोट भी गिरेगा है, और अपने अपने पेट पे अपने बच्चों के पेट पे आदमी खुद ही मारेगा, देखो तो हाल क्या है हमारे इलाके के लोग। और ये तो भाई सबने देख लिया, इनका तो सारा ही खिंड मिंड हो गया सौदा ये चुटाला वाला, मेरे को तो दुख हुआ, देखो विरोधी बेशक हो चुटाला, लेकिन जो रात को देखा मैंने वो नहीं होना चाहिए किसी के साथ, बूढ़ा बुजुर्ग आदमी है 86 इयर्स का, उसको रातों रात जो है हॉस्पिटल से निकलवा कर उसको जेल भिजवा दिया, खाली इसलिए इन छोरों ने कि वो केजरीवाल के साथ हाथ मिलाकर कि ये जाके जींद उपचुनाव में बोल ना सके, ये तो गलत बात है ना, बताओ भाई गलत है या नहीं, चुटाले वालों से ही पूछ रही हूँ मैं तो, ये तो भाई ये तो कभी कलियुग वाला सौदा हो गया, दादा दादी है जिस दादे ने जिसके कारण भाई ये छोरे खड़े हुए, जिनका कोई नाम निशान अगर आ जाए तो वो दादा दादी के कारण ही है या नहीं है, और उसको उसके लिए कर दिया, तो भाई इनका तो आगे कुछ रहा नहीं, सारी झूठी बात जो है ना लंबी लंबी है बीजेपी पर जो है फेंकते हैं जुकर, 15 लाख रुपए बीजेपी ने कहा था ना 15 लाख आवेंगे, काला धड़ा होगा वापस हर एक के खाते में पीछे आओगे, और बेरानी के क्या होगा, सारा सौदा सबने देख लिया, सारा है झूठा। सही कह रहा है, तो झूठी इनकी तो बातें झूठी इतनी है, बेरोजगारों के लिए कहा था कि 5-6 हजार रुपए देंगे 10वीं पास को और 9 हजार रुपए देंगे बीए पास को जो बेरोजगार होगा, भाई आया कोई तेरा काम में कोई बेरोजगार बता किसी दौरे आया क्या, किसी का कोई आओ भाई, ये तो जो है आदमी अब क्या करे, तो भाई अब श्रुति का जो है मौका पड़ा है, इस बार ही अपना जो है मजबूत करो, मेरे को अच्छे वोट घेर के श्रुति ने जिता कर भेजो ताकि मैं मजबूती से फिर आगे सारा काम करूं, और भाई मेरे हाथ में तो आ गई सरकार तो तब फिर हमने दे रहे भाई, फिर तो ये पानी पूनी का सारा सौदा दूंगी कर, और किसी के बस के भी पानी और कोई कौन कर सकेगा, हाँ तो ये करना है अपना, तो भाई और आज के दिन कोई चौटाला का जो 14-14 साल से भाई इनके गैर लाग रहा है, उनके जो सरकार आएगी लड़ाके से हमने करना है, और भाई जिसको जो सोचता हो कि भाई उसको आगे का अपना सोच हो अपने बच्चों का अपने इलाके का, वो आए मान सम्मान के साथ हम उसका भी बराबर का करें, ठीक है ना। अब नहीं जिसकी सोच सरकार बनते ही राहुल गांधी ने कह ही दिया ये बात कि सारे किसानों का कर्जा माफ होगा।